किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर बीते कई दिनों से लगातार जारी है। किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनके तीखे तेवर बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में घमासान और ज्यादा तेज होने वाला है। एक तरफ सरकार की कोशिशें उन्हें मनाने की, तो वहीं दूसरी तरफ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के दाम तय कर लेना चाहते हैं और इसके साथ ही वो ये कहना चाहते हैं कि दरअसल कृषि कानूनों को वापस लिया जाए तभी वो मानेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर यानी कि राजधानी दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जमावड़ा उनका बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इतिहास के झरोखे में झांककर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 32 साल पहले कैसे राजधानी दिल्ली के बोट क्लब में इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था जिसने सरकार को पस्त करके रख दिया था। उस समय क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, दोनों को तुलना करके हम आपको बताने वाले हैं कि किसान जब दिल्ली आकर आंदोलन करते हैं तो उसके मतलब और मायने क्या होते हैं। करीब 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बोट क्लब पर रैली करने वाले थे। किसान बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्रीय मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे थे। उनको दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की ओर से रोकने की कोशिश की गई। उसी दौरान गोली चल गई। गोली चलने से दो किसान नेताओं की मौत हो गई। उसके बाद आंदोलन और ज्यादा भड़क उठा था। वो दोनों किसान नेता पुलिस की गोली लगने से जिनकी मौत हुई थी कुटबी के राजेंद्र सिंह और टिटौली के भूप सिंह की जान गई थी। लेकिन इसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचे थे। देश के 14 राज्यों से 5,00,000 किसान दिल्ली के बोट क्लब पर जमा हुए थे। केंद्र सरकार के अधीन बिल्डिंगों की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बोट क्लब है और वहां पर किसानों का भारी जमावड़ा था। इसके अलावा इंडिया गेट के अलावा आपको बता दें उसके आसपास के पूरे इलाकों में किसानों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी और उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से ठप करके रख दिया था। किसानों के आगे पुलिस प्रशासन सरकार पूरी तरह से लाचार नजर आ रही थी। किसानों ने अपनी बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर बोट क्लब पर लाकर खड़े कर दिए थे। इसके अलावा आपको बताते चले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर के लिए बोट क्लब में रंगाई पुताई का काम चल रहा था और खासतौर से एक मंच बनाया गया था जिस पर मुख्य कार्यक्रम होना था। लेकिन किसानों ने उस मंच पर भी कब्जा कर लिया था और किसी भी तरह के कार्यक्रम होने से साफ मनाही कर दी थी। किसानों ने लुटियंस इलाके में जिस तरह से कब्जा कर लिया था उससे अधिकारी मंत्री सब परेशान हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में किया क्या जाए, इस हालात से मुक्ति कैसे दिलाई जाए ताकि राजधानी दिल्ली सामान्य हो सके। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कमेटी ने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ से मुलाकात की लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांगे आखिर क्यों नहीं मानी जा रही हैं। आपको बता दें किसानों को तितर बितर करने के लिए 30 अक्टूबर 1988 की रात किसानों के ऊपर तत्कालीन सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया था जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान बदला नहीं लेता, वो सब सह जाता है, वो तो जीने का अधिकार भर चाहता है। पुलिस ने जो जुल्म किया है उससे किसानों का हौसला और बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने दुश्मन सा व्यवहार किया है। किसानों की नाराजगी प्रधानमंत्री और इस सरकार को महंगी पड़ेगी, यानी कि सीधे सीधे किसानों की ओर से प्रधानमंत्री को चेतावनी दी गई थी। सप्ताह भर से ज्यादा समय तक किसानों ने राजपथ को अपने कब्जे में कर रखा था। आखिरकार सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया कि वो उनकी 35 सूत्रीय मांगों पर विचार करेंगे। तब कहीं जाकर किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ा था और किसान आश्वासन मिलने के बाद ही अब अपने अपने घर का रुख कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1988 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम, जो रैली का आयोजन बोट क्लब पर होना था, हालांकि वो हो नहीं पाया था और इसी वजह से स्थान बदल कर लाल किले के पीछे वाली जगह पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वो कार्यक्रम करना पड़ा था। महत्वपूर्ण बात यह है, राजधानी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि 32 साल पुराना वही इतिहास दोहराया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि बुराड़ी मैदान पर आकर किसान अपना आंदोलन करें और उसके अगले ही पल सरकार बातचीत को तैयार हो जाएगी, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ओर से कहा गया है कि बुराड़ी तो ओपन जेल की तरह है, हम वहां पर आंदोलन नहीं करेंगे। वो जंतर मंतर पर अपना आंदोलन करना चाहते हैं लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर वही 32 साल पुरानी वाली जेहन में कौंध उठती है।